साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस पे सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। सभी साथी आ जाएं और एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों, ठीक है। सेल्फ स्टडी क्लासेस का जो ऐप है, ये ऐप आप प्ले स्टोर में जाकर के दोस्तों डाउनलोड कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं सेल्फ स्टडी क्लासेस, ठीक है। वीडियो को एक बार जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने सभी मित्रों को। एक सेशन आज का बहुत ही बढ़िया करने दोस्तों, ठीक है, स्टार्ट हो चुका है। हिंदी साहित्य के दोस्तों अपन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने वाले हैं। जिन भी साहित्य को नोट्स मंगवाना है हिंदी साहित्य के, वो नोट्स मंगवा सकते हैं। हिंदी साहित्य, गद्य साहित्य और पद्य साहित्य, है ना। यानी कि फर्स्ट पार्ट जो गद्य साहित्य पद्य साहित्य का है, उसमें हिंदी भाषा से लेकर के आपका देवनागरी लिपि, नई कविता, साठोत्तरी कविता तक ये पूरा रहेगा। और पार्ट टू में आपका दोस्तों गद्य साहित्य यानी कि गद्य का विकास, नाटक, निबंध, कहानी, उपन्यास, संस्मरण, ये पूरा रहेगा, है ना। तो ये दो पार्ट में नोट्स हैं, ये दो पार्ट के जो नोट्स हैं कई पुस्तकों का निचोड़ है, क्रमबद्ध टॉपिक हैं, है ना। और दोस्तों क्रमबद्ध रचनाएं और साथ ही ट्रिक भी इसमें समाहित की गई हैं, ठीक है। तो ये नोट्स आप अपने घर पर मंगवा सकते हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आगे भी दोस्तों तैयारी करेंगे, तो ये नोट्स आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहेंगे, ठीक है। और टीजीटी पीजीटी का अगर आपको एडमिशन लेना है, सो मात्र 1500 रुपये में एडमिशन ले सकते हो टीजीटी पीजीटी, ठीक है। न्यू पैटर्न पर आधारित हिंदी साहित्य का जो भी साथी हैं, वो सभी साथी मात्र 1500 रुपये में एडमिशन ले सकता है। लेकिन कैसे लें, ऐप में जाकर के टीजीटी पीजीटी का कोर्स परचेज कर लें, और ना आपको आपसे बने तो आप मुझसे संपर्क करें, नीचे नंबर चल रहा है, ठीक है। और साथियों जिनको भी वन लाइनर फैक्ट की पीडीएफ चाहिए, पूरा हिंदी साहित्य का निचोड़, जिसमें बिल्कुल निचोड़ वन लाइनर है ना, वन डे एग्जाम के हिसाब से ये पूरा का पूरा वन लाइनर मात्र 599 में ये पीडीएफ दोस्तों आप डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं, ठीक है। और जो भी हमारे साथी हैं जिनको पंजाब मास्टर कैडर के मॉडल पेपर लेना है, तो मॉडल पेपर दोस्तों आप परचेज कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा सेल्फ स्टडी क्लासेस का, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। सभी साथी दोस्तों आ जाएं, वीडियो को लाइक कर दें। अपन पहुंच गए थे 96 नंबर के क्वेश्चन तक, ठीक है। अब आगे अपन पढ़ेंगे, कल अपन ने यहां तक पढ़ दिया था। ये क्वेश्चन अपन ने पूछा था कि नेपथ्य में हंसी काव्य कृति किसकी है, बता दो भैया, नेपथ्य में हंसी काव्य कृति किसकी है। सभी लोग बताएंगे और एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर देना फटाफट से, है ना। बताइए जल्दी से अनुज जी, राजीव मौर्जी, नेपथ्य में हंसी काव्य कृति के रचनाकार कौन है। प्रश्न क्रमांक है आपका 96 है, 96 नंबर का क्वेश्चन है और आपको बता देना है जल्दी से। वीडियो को लाइक भी कर दीजिए दोस्तों फटाफट से। 96 नंबर का बहुत ही असली क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही बम्पर क्वेश्चन पूछा गया, और यहां तक कल अपन ने पढ़ा था और आपका उत्तर चला गया था कि सर नेपथ्य में हंसी राजेश जोशी, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, बी नंबर आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। इस पौरसपूर्ण समय में ये किसकी रचना है, नई रचना, 97 नंबर का क्वेश्चन है। इस पौरसपूर्ण समय में ये जो रचना है किसकी, अनामिका की है, बोधिसत्व कात्यायनी या फिर निलय उपाध्याय की। नए नए कवियों की रचनाओं को भी दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिल रही होंगी, है ना। कुमकुम जी जल्दी से बताइए, इस पौरसपूर्ण समय में ये जो रचना है, ये रचना किसकी है। विपेंद्र कुमार जी, 97 नंबर का क्वेश्चन है, 97 नंबर का क्वेश्चन है, कौन बताता है। अंजू कनौजिया जी, और आपका उत्तर है कि सर इस पौरसपूर्ण समय में कात्यायनी, यानी कि आपका जो सी नंबर है, सी नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर है, सी नंबर आपका राइट आंसर है, सी नंबर बहुत बढ़िया। मुझे दूसरी पृथ्वी चाहिए काव्य संग्रह की रचनाकार कौन है, 98। मुझे दूसरी पृथ्वी चाहिए, दूसरी पृथ्वी चाहिए, जल्दी से बताओ। एकांत श्रीवास्तव है, स्वप्निल श्रीवास्तव है, प्रयाग शुक्ल है, या फिर दोस्तों चयन करिए आलोक धनवा है। मुझे दूसरी पृथ्वी चाहिए, 98 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, जल्दी से बताएंगे सभी लोग। मुझे दूसरी पृथ्वी चाहिए, बोले स्वप्न में चाहिए या वास्तव में चाहिए, तो स्वप्न से स्वप्निल और वास्तव से श्रीवास्तव, तो ये स्वप्निल श्रीवास्तव, है ना, स्वप्न देख लिया होगा इन्होंने, बोले ये पृथ्वी नहीं, हमें दूसरी पृथ्वी चाहिए, तो मुझे दूसरी पृथ्वी चाहिए जो काव्य संग्रह है ये स्वप्निल श्रीवास्तव का है, आप लोग याद कर लेना।
बी नंबर यहां पर सही हो जाएगा संदीप सिंह जी। लाइक कर दो जल्दी से। नीम रोशनी में काव्य कृति के रचनाकार कौन है? नीम रोशनी में, नीम रोशनी में एक काव्य कृति किसकी है बताइए? 99 नंबर का क्वेश्चन है। नीम रोशनी में काव्य कृति के रचनाकार कौन है? अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो को लाइक कर दो आनंद जी। नीम रोशनी में सरिता जी ने बिल्कुल सही आंसर बताया कि सर नीम रोशनी में मदन कश्यप की रचना है नीम रोशनी में। ठीक है, नीम रोशनी में मदन, बोले मदन जो है ना, मदन रोशनी में नीम लेकर आया, या नीम लेकर आया किसको? रोशनी के लिए, ऐसे भी याद कर सकते। नीम रोशनी में मदन कश्यप। कबाड़ी पर तराजू काव्य कृति के रचनाकार कौन है? कबाड़ी पर तराजू कात्यायनी, निर्मला गर्ग, बोधिसत्व या फिर स्वप्निल श्रीवास्तव। कबाड़ी पर तराजू के रचनाकार कौन है? विजय शंकर जी भी आ गए, बहुत बढ़िया। जसमेल जी, शिल्पा जी, कबाड़ी पर तराजू के रचनाकार। 100 नंबर का क्वेश्चन है, सभी बताइए। लखविंदर कौर जी, वीडियो को लाइक करो। कबाड़ी पर तराजू बताओ, बोले सर कबाड़ी पर तराजू बड़ा कैसा है? निर्मला, निर्मल गर्ग, निर्मल निर्मल है ना, तो निर्मल से क्या हो जाएगा? निर्मला गर्ग। निर्मला गर्ग की एक काव्य कृति है कबाड़ी पर तराजू। ठीक है, नए कवियों की रचना है, ये भी अपन को याद कर लेना है। ठीक है, तो आपका बी नंबर निर्मल गर्ग सही है। मनवंतर के रचनाकार कौन है? 101 नंबर में सभी बताइए। पिंकी शर्मा जी बताइए, शशि जी, बिंदु, लता जी, अरविंद जी, मनवंतर के रचनाकार भवानी प्रसाद मिश्र हैं, शंभुराज से, प्रयाग शुक्ल या फिर बोधिसत्व हैं, चयन करिए। 101 नंबर का क्वेश्चन है मनवंतर। मनवंतर तो कई बार पूछा गया और मैंने आपको कई बार बताया, अभी इसकी ट्रिक भी बताई है कि मन में मंतर, मन में मंतर, मनवंतर। 101 नंबर का क्वेश्चन है, बोले सर हम शंभुनाथ की पूजा करते हैं, शंभु की पूजा करते हैं तो मन में मंतर पढ़ते हैं, मनवंतर, मन में मंतर। ठीक है, तो याद करो बी नंबर शंभुनाथ से, बी नंबर सही है। सहज कविता के समर्थक कौन है? सहज कविता के रविंद्र भरमर हैं, वीरेंद्र मिश्र हैं, लक्ष्मीकांत वर्मा है या प्रयाग शुक्ल। समर्थक पूछा है सहज कविता के। 102 नंबर का क्वेश्चन है, सहज कविता के प्रवर्तक, सहज कविता के समर्थक, समर्थक पूछा है यहां पर रीना मंडियाल जी। राइट आंसर चला गया कि सर सहज कविता के समर्थक हैं रविंद्र भरमर जी। ए नंबर है प्रवीण कुमार जी, ए नंबर सही हो जाएगा रविंद्र भरमर। नई कविता की भाषा, नई कविता की भाषा की विशेषता क्या है? नई कविता की भाषा, इसकी विशेषता क्या है? 103 नंबर, रोमानियत से युक्त, बिंब विधान से मुक्त, बोलचाल की शब्दावली से युक्त, अलंकारिता से युक्त। नई कविता की भाषा की विशेषता क्या है? 103 नंबर का क्वेश्चन है, विशेषता पूछी गई नई कविता की। लाइक कर देना, शेयर भी कर देना चेतन जी, और जिनको एडमिशन लेना है वो मात्र 1500 रुपए में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर बताया कि सर ये नई कविता की विशेषता, भाषा की विशेषता है कि बिंब विधान से मुक्त है, यानी कि बी नंबर। ठीक है, ये भी अपन को पता हो गया, रोमानियत से युक्त, बोलचाल की शब्द, ये तो सभी का पता है, बी नंबर आपका सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहां पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों आपका, शमशेर मूर्स के कवि हैं किसी विजन के नहीं, ये कथन किसका है, ये उक्ति किसकी है? शमशेर मूर्स के कवि हैं किसी विजन के नहीं, बताओ। शमशेर मूर्स के कवि हैं किसी विजन के नहीं, मलयज, मलयज का कथन है, दूधनाथ सिंह का है, कुंवर नारायण या फिर नामवार सिंह का है, कथन बताना है। लाइक जरूर कर देना एक बार साथियों। ठीक है, ये क्लास रोज रात्रि 9 बजे आपकी लाई जाती है और बढ़िया बढ़िया से बम्पर बम्पर प्रश्न अपन पढ़ते हैं। 104 नंबर का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, शमशेर मूर्स के कवि है किसी विजन के नहीं, तब आपका 104 नंबर का क्वेश्चन जा रहा है। कहाँ जा रहा है देखते हैं कौन कौन सही बता पाता है। 104 में मलयज सही है, मलयज यानी कि ए नंबर आपका राइट आंसर है।
ठीक है, ये मलयज का कथन है, मलयज की उक्ति है, ठीक है, इनको याद करो। कुरुज, कुरुज कविता संग्रह की रचनाकार कौन है? कुरुज पूछा यहां पर 105। कुछ नई रचना यहां पर आपको देखने को मिल रही है, नई नई रचनाएं भी आपको पढ़ना है। 105 नंबर का क्वेश्चन है, कुरुज बताइए, कुरुज बताओ, सुरेश दास जी, ज्ञानेश शर्मा जी, कुरुज के रचनाकार कौन है? फटाक से बताइए, कुरुज कविता संग्रह की रचनाकार कौन है? और बहुत बढ़िया ना अंकर बताया, पंकी जी ने बताया, बहुत बढ़िया, मदन कश्यप। कुरुज कविता संग्रह की रचनाकार मदन कश्यप है, बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, बी नंबर सही है। ताजी कविता आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? ताजी कविता, देखो ताजी कविता, बहुत अच्छा क्वेश्चन। बिंदु लता जी बताओ, ताजी कविता आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? रविंद्र भरमर है ताजी कविता, लक्ष्मीकांत वर्मा है, गंगा प्रसाद बिमल है, या फिर सौमित्र मोहन है? ताजी कविता की बताइए। नीतू गुप्ता जी, 106 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न पूछा गया है, है ना, ताजी कविता आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? ताजी कविता, तो सभी लोगों ने बताया कि सर ताजी ताजी तो हम लक्ष्मी प्राप्त करते, ताजी ताजी, बोले ताजी लक्ष्मी लेकर आओ, है ना, तो लक्ष्मीकांत वर्मा माने जाते ताजी कविता आंदोलन, ठीक है। ताजी याद करोगे, नकेनवादियों ने अपने को किस धारा में रखा है बताओ, किस धारा में रखा? प्रगतिवाद में, प्रयोगवाद में, नई कविता या समकालीन कविता में? नकेनवाद अपन ने पढ़ा है, है ना, नलिन बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश, ये नकेनवाद में तीन थे, जिसका पर्याय माना जाता है प्रपद्यवाद का, है ना। एक क्वेश्चन कई बार आया है कि नकेनवाद किसका पर्याय है, तो प्रपद्यवाद का पर्याय है नकेनवाद। और नकेनवाद दोस्तों ये तीन कवि, नकेन के नाम पर ये तीन कवियों द्वारा ये दोस्तों चलाया गया था, और नकेनवादियों ने अपने को किस धारा में रखा है, ये क्वेश्चन पूछा गया, 107 नंबर का क्वेश्चन है। और 107 नंबर का क्वेश्चन चला गया कि सर ये नकेनवादियों ने अपने को किस धारा में रखा है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? बताइए, 107 नंबर का क्वेश्चन है, ये यहां पर एक चीज आपको समझना है, ये जो नकेनवादी थे दोस्तों, ये नकेनवादी थे, इन्होंने अपने आप को पूछा है, अपने आप को इन्होंने प्रयोगवाद में नहीं रखा, इन्होंने अपने आप को प्रयोगवाद में नहीं रखा, इन्होंने अपने आप को नई कविता प्रयोगवाद के समानांतर ये दोस्तों एक आंदोलन चला था, है ना, प्रपद्यवाद जिसे कहते हैं, इन्होंने अपने आप को प्रयोगवाद में नहीं रखा, प्रयोगवाद के तो ये विरोध में चल रही थी ये नकेनवाद, है ना, तो इन्होंने अपने आप को नई कविता में रखा है, किसने? नकेनवादियों ने अपने आप को, ठीक है, ये आपका यहां पर सी नंबर सही हो जाएगा, सी नंबर। उसके बाद गंगा प्रसाद बिमल की कृति कौन सी, 108 नंबर में गंगा प्रसाद बिमल की बताना है, सभी लोग बताएंगे, नेपथ्य में हंसी, बहुत हो चुका, सन्नाटे से मुठभेड़, समय के पास समय, ये प्रयोगवाद का समर्थन नहीं करते थे नकेनवाद वाले, इसलिए तो इन्होंने दोस्तों प्रयोगवाद के समानांतर एक और काव्यधारा चलाई थी जिसका नाम था नकेनवाद, जिसे प्रबद्धवाद भी कहा जाता है। तो गंगा प्रसाद बिमल की कृति कौन सी है, कृति बताना है, बताइए जल्दी से पूनम रानी जी, 108 नंबर का क्वेश्चन है, 108 का उत्तर बताना है, वीडियो को लाइक भी कर देना। गंगा प्रसाद बिमल की कृति है तो कौन सी है, बोले गंगा में सर, गंगा में सन्नाटे से मुठभेड़, है ना, गंगा जो है ना वो सन्नाटे से मुठभेड़ करती है, ठीक है, गंगा सन्नाटे से मुठभेड़ करती है, आपका उत्तर है क्या, सी नंबर, सन्नाटे से मुठभेड़ ये कृति है इनकी। 108 नंबर में गलत पते की चिट्ठी कृति की रचनाकार कौन है, गलत पते की चिट्ठी, 109 नंबर में, 109 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, 9 का बताइए, नए कवियों की रचनाएं हैं दोस्तों, इनको भी अपन को पढ़ना है, आजकल बहुत पूछी जा रही नए कवियों की रचनाएं, गलत पते की चिट्ठी कृति के रचनाकार कौन है, रागिनी वर्मा जी, बताइए पार्वती जी, शिवाजी, नए गलत पते की चिट्ठी इसके रचनाकार कौन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, वीडियो को
लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना गलत पते की चिट्ठी कात्यायनी अनामिका इंदु जैन या फिर लीलाधर मंडलोई। चयन करिए गलत पते की चिट्ठी, इसके रचनाकार कौन है। 109 नंबर का क्वेश्चन, आपका उत्तर है कि सर गलत पते की चिट्ठी अनामिका के पास पहुंच गई। किसके पास पहुंच गई? तब आपका उत्तर है अनामिका के पास, यानी बी नंबर। गलत पते की चिट्ठी कहां पहुंच गई? अनामिका के पास, बी नंबर। बहुत बढ़िया। दुष्चक्र में सन्नाटा काव्य कृति के रचनाकार कौन है? दुष्चक्र में सन्नाटा है ना, सन्नाटा नहीं दोस्तों, ये सृष्टा है, सृष्टा। दुष्चक्र में सृष्टा, तो बताओ दुष्चक्र में सृष्टा स्वप्न श्रीवास्तव, एकांत श्रीवास्तव, बीरेन डंगवाल या फिर विनोद कुमार शुक्ल। राधिका जी, नीतू जी, 110 नंबर के क्वेश्चन में आपका दुष्चक्र में सृष्टा के जो रचनाकार हैं वो हैं बीरेन डंगवाल। बीरेन डंगवाल हैं, ठीक है। बीरेन डंगवाल यानी कि सी नंबर आपका दुष्चक्र में सृष्टा, ठीक है। ये अपन को याद करना, सी नंबर आपका बिल्कुल सही है, सी नंबर। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आता है, यहां पर आता है दोस्तों, समकालीन कविता का दौर कब से शुरू हुआ? समकालीन कविता का दौर बताइए। 60 के दशक से, 70 के दशक से, 80 के दशक से, 50 के दशक से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नई समकालीन कविता का जो दौर कब से शुरू हुआ, ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे, सीधा सीधा 111 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया। सभी लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, फटाक से शेयर भी कर दें पूनम सैनी जी, क्योंकि आज ये जो प्रश्न है ऊपर से जा रहे होंगे, लेकिन इन नए नए कवियों की रचनाएं भी अपन को पढ़नी है। तो यहां पर आपका उत्तर है समकालीन कविता का दौर कब से शुरू हुआ, 111 नंबर में। और आपका 111 नंबर का क्वेश्चन जा रहा है, क्या जा रहा है 111 में, कि सर 70 के दशक से, ठीक है। तो समकालीन कविता 70 के दशक से इसका दौर प्रारंभ हुआ दोस्तों, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, बी नंबर। 70 के दशक से एक बहुत कोमल ताल, एक बहुत कोमल ताल, एक बहुत कोमल ताल के रचनाकार कौन है बताओ। एक बहुत कोमल ताल यानी कि 112 नंबर का क्वेश्चन है, 112 नंबर के क्वेश्चन को बताइए। एक बहुत कोमल ताल के रचनाकार कौन है? लीलाधर मंडलोई, बीरेन डंगवाल, विनोद कुमार शुक्ल, एकांत श्रीवास्तव। एक बहुत कोमल ताल के रचनाकार कौन है? हाँ, साठोत्री कविता, लखविंदर जी बिल्कुल सही है। यहां पर 112 नंबर के क्वेश्चन में पूछा है, 112 नंबर का क्वेश्चन आपसे बताना है। और सभी लोगों का आंसर जा रहा है कि सर एक बहुत कोमल ताल है लीला, लीलाधर मंडलोई, और एक बहुत कोमल ताल, ताल ताल की लीला है, ठीक है। ताल अपन को याद कर लेना है, ये ताल से बनेगा, लीलाधर मंडलोई की रचना, एक बहुत कोमल ताल। उसके बाद अहिल्या नामक प्रबंध कृति, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन ये पूछा गया था दोस्तों। अहिल्या नामक प्रबंध कृति के रचनाकार कौन है? अहिल्या, अहिल्या पूछा गया था क्या बताओ बंदनी जी, प्रियंका जी। अहिल्या नामक प्रबंध कृति के रचनाकार कात्यायनी, इंदु जैन, प्रभा केतन या फिर अनामिका। 113 नंबर का क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। 113 का उत्तर बताएं। अहिल्या, देखते हैं कौन कौन सही बता रहा है। अहिल्या नामक काव्य कृति एक, इसके रचनाकार कौन है? और आपका उत्तर जा रहा है कि सर ये जो अहिल्या नामक काव्य कृति है, प्रबंध कृति है, ये है खेतान, प्रभा खेतान की है। 113 में आपका उत्तर है डी, अहिल्या खेतन में काम करती है। बोले सर खेतन में, प्रभा खेतान। कुछ ना कुछ टकराएगा जरूर काव्य संग्रह किसका है? कुछ ना कुछ टकराएगा जरूर, कुछ ना कुछ टकराएगा जरूर, बताइए प्रीति जी। कुछ ना कुछ टकराएगा जरूर, इंदु जैन, सुनीता जैन, अनीता राकेश या फिर अनामिका। वंदना जी, सभी लोग बताएंगे, वीडियो को लाइक करना, इन प्रश्नों को भी अपन को पढ़ना है, मैदान छोड़ के भाग नहीं जाना है। कुछ ना कुछ टकराएगा जरूर काव्य संग्रह की रचनाकार कौन है? क्वेश्चन जब यहां से पूछे जाते हैं तो बहुत सारे लोग नहीं बनते, लेकिन प्रैक्टिस करनी अपन को। कुछ ना कुछ टकराएगा जरूर यानी कि उत्तर है ये रचना है इंदु जैन की, इंदु जैन।
कुछ ना कुछ टकराएगा जरूर। ठीक है, बहुत बढ़िया अमन जी, इंदु जैन, शिल्पा जी बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद देखो हथेली पर चांद, हथेली पर चांद नामक काव्य कृति किसकी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। हथेली पर चांद देवराज, सुनीता जैन, कात्यायनी या फिर राजेश जोशी। हथेली पर चांद की रचनाकार 115 नंबर का क्वेश्चन है। हथेली पर चांद, ये रचना भी पूछी गई है दोस्तों कई बार। हथेली पर चांद, कार्तिक जी बताएं, उमेश यादव जी, लगभग सभी को पता है कि सर हथेली पर चांद किसकी हथेली पर? और सर सुनीता जैन, सुनीता जैन की हथेली पर चांद है, चांद है ना, चांद यानी कि आपका जो सी नंबर है, सुनीता जैन की हथेली पर चांद। ठीक है, सुनीता जैन की कृति है। इला और अमिताभ, इला और अमिताभ प्रबंध कृति के रचनाकार कौन? इला और अमिताभ डॉक्टर देवराज, जगदीश चतुर्वेदी, बोधिसत्व। 116 नंबर का क्वेश्चन बताना अजय देव, अजय जी, अनिल तिवारी जी, पिंकी जी, प्रैक्टिस करिए, एक बार पढ़ रहे हो है ना, नहीं बन रहा कोई बात नहीं है दोस्तों, एक बार जब आप पढ़ लोगे तो ये क्वेश्चन बहुत सारे आपसे बनने भी लगेंगे। इला और अमिताभ के रचनाकार कौन है? जा रहे हैं जाने दो, 116 नंबर का क्वेश्चन है और आपका उत्तर है कि सर ये डॉक्टर देवराज की रचना है, इला और अमिताभ। अमिताभ बोले हमें देवराज है ना, तो ये नंबर। इतिहास हंता, इतिहास हंता काव्य कृति की रचनाकार कौन? इतिहास हंता, बहुत अच्छी क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन 117 नंबर में। इतिहास हंता, हंता ये काव्य कृति किसकी? आनंद जी बताइए, अनुज जी, सौरभ वर्मा जी, वीडियो को लाइक कर देना। इतिहास हंता काव्य कृति की रचनाकार कौन है? जगदीश चतुर्वेदी, नंद किशोर आचार्य, मंगलेश डबराल या फिर स्वप्निल श्रीवास्तव। इतिहास हंता पूछी गई है रचना, इतिहास हंता दोस्तों 117 नंबर का क्वेश्चन है और ये रचना है इतिहास हंता जगदीश चतुर्वेदी। इतिहास हंता ये रचना है जगदीश चतुर्वेदी की। ये नंबर आपका बिल्कुल सही है, जगदीश चतुर है, बोले इतिहास हंता, हंता हो गया। अपने खिलाफ एवं ठौर ठिकाना, अपने खिलाफ एवं ठौर ठिकाना नामक काव्य कृति के रचनाकार कौन है? अपने खिलाफ एवं ठौर ठिकाना, स्नेहमयी चौधरी, कमल कुमार। 118 क्वेश्चन बताना है, दो ही विकल्प में से आप बता दोगे तो अपने खिलाफ एवं ठौर ठिकाना, और सर अपने खिलाफ स्नेह बढ़ाना है, हमें स्नेह बढ़ाना है। ठीक है, तो ये भी अपन को याद है, अपने खिलाफ क्या करना है? स्नेह बढ़ाना है, स्नेह। तो स्नेह मई मई चौधरी की रचनाएं हैं, अपने खिलाफ एवं ठौर ठिकाना, ये नंबर आपका सही हो जाता है यहां पर, ये नंबर बहुत बढ़िया। ठीक है, एक बार और इस वीडियो को देख लेना दोस्तों, ये बहुत ही नई नई रचनाएं हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आजकल एग्जामों का जो पैटर्न बदल रहा है, नई रचनाएं ज्यादा पूछी जा रही हैं। साठोत्तरी कविता में निषेधात्मकता का कारण क्या है बताओ? साठोत्तरी कविता में निषेधात्मकता का कारण क्या है? राजनीतिक दबाव और मूल्यहीनता, सपाट बयानी और बड़बोलापन, सामाजिक यथार्थ की अतिशयता, पराजय भावना और निराश। साठोत्तरी कविता में निषेधात्मकता का कारण क्या है? कारण बताइए। 119 नंबर का क्वेश्चन है, 119 नंबर के क्वेश्चन में उत्तर होगा कि सपाट बयानी और बड़ बोलापन, ये दोस्तों निषेधात्मकता का कारण है। आपका जो बी नंबर है, बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, बी नंबर सपाट बयानी और बड़ बोलापन। बी नंबर मुक्ति बोधकृत अंधेरे में कविता का प्रकाशन पहले किस नाम से हुआ था? बहुत अच्छा क्वेश्चन, थोड़ी सी राहत आई होगी आप लोगों को, मुक्तिबोध का नाम आ गया। ठीक है, तो मुक्तिबोध के अंधेरे में कविता का प्रकाशन पहले किस नाम से हुआ था? किस नाम से हुआ था एक बार जल्दी से बता दो और लाइक जरूर कर दो, पहले किस नाम से हुआ था? बहुत सारे नए प्रश्नों का संग्रह दोस्तों आप लोगों तक यहाँ पर लाया जा रहा है। अब आप लोगों को लाइक करना, मित्रों को शेयर करना है और इसी प्रकार से बने रहना है। कई लोग तो छोड़कर भाग जाएंगे है ना। मुक्तिबोध का अंधेरा में, अंधेरे में कविता का प्रकाशन पहले किस नाम से हुआ था? मैंने आपको कई बार बताया है, उत्तर क्या है? आशंका के दीप अंधेरे में, इस नाम से हुआ था मुक्तिबोध की ये जो रचना है अंधेरे में। ठीक है, बी नंबर सभी से बना, बहुत बढ़िया। चौथे सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? 121 नंबर का क्वेश्चन है। चौथे सप्तक का प्रकाशन
चौथे सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? 121 नंबर के क्वेश्चन में बताइए जल्दी से, 1943। फटाफट से वीडियो को लाइक भी कर दो। 1951, 1979, 1959। चौथे सप्तक का जो प्रकाशन है देखो वो हुआ था कब, 1979 में, 1943 में तार सप्तक, 1951 में द्वितीय सप्तक, 1959 में तृतीय सप्तक और 1979 में चतुर्थ सप्तक। ठीक है, आ कविता आंदोलन की शुरुआत कब से मानी जाती है? 122 आ कविता आंदोलन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो को लाइक कर देना जल्दी से, फटाफट से लाइक करें दोस्तों और मित्रों को शेयर भी कर दें। आ कविता आंदोलन, आ कविता आंदोलन की शुरुआत कब से मानी जाती है? आ कविता आंदोलन की शुरुआत कब से मानी जाती है? 1960 से, 70, 65 या फिर 1951 से? आ कविता 122 नंबर का क्वेश्चन है, देखते हैं कौन सही बता पाता है। आ कविता की शुरुआत फटाफट से, तेज प्रकाश जी यहां पढ़ो, कहां कमेंट बता रहे हो, वही लगी हो, पीडीएफ प्रोवाइड करवा दो, कमेंट में बताओ यहां पर। आ कविता आंदोलन की शुरुआत कब से मानी जाती है? 1965 ईस्वी से, 1965 से मानी जाती है। आ कविता आंदोलन के प्रवर्तक कौन है बताओ? आ कविता पूछा है, आ कविता आंदोलन के प्रवर्तक कौन है और 1965 से इसकी शुरुआत मानी जाती है आ कविता आंदोलन की? विजय शंकर जी बहुत बढ़िया आंसर। आ कविता आंदोलन के प्रवर्तक कौन है बताओ? मुक्ति प्रसंग के रचनाकार कौन है? मुक्ति प्रसंग 123 नंबर का क्वेश्चन है, मुक्ति प्रसंग, जगदीश चतुर्वेदी, फटाफट से। मुक्ति प्रसंग के रचनाकार कौन है? जगदीश चतुर्वेदी, अशोक वाजपेयी, राजकमल चौधरी या फिर धूमिल? मुक्ति प्रसंग 123 नंबर का क्वेश्चन है और आपका मुक्ति प्रसंग, देखते हैं कौन कौन बता रहा है। यहां पर दोस्तों पूछा गया आ कविता आंदोलन के प्रवर्तक कौन है और एक क्वेश्चन आता है आ कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कौन है बताओ? आ कहानी आंदोलन और आ कविता आंदोलन, आ कविता आंदोलन के प्रवर्तक कौन है और आ कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कौन है बताओ जल्दी से। बहुत सारे लोगों ने बता दिया है, गंगा प्रसाद बेमल। आ कहानी अलग है, आ कविता अलग है। अब आ कविता के कौन है और आ कहानी के कौन है, दोनों का उत्तर आना चाहिए फटाफट से। मुक्ति प्रसंग आपका उत्तर हो जाएगा राजकमल चौधरी, सी नंबर आपका सही है, राजकमल चौधरी बहुत बढ़िया। योत्सावादी कविता के प्रवर्तक कौन है? योत्सावादी, योत्सावादी कविता, फटाक से योत्सावादी बताना है जल्दी से बताइए। फटाक से युत्सावादी यानी कि 124 नंबर का क्वेश्चन है, 124 में बताना है और 124 में आपका उत्तर है कि सलभ श्रीराम, ये युत्सावादी कविता के प्रवर्तक हैं। ठीक है, और बहुत सारे साथियों ने प्रयास किया, बहुत सारे साथियों ने उत्तर बताया लेकिन सही उत्तर किसी ने नहीं बताया, सभी लोग किसी ने नहीं उत्तर बताया। आ कविता का बताइए जल्दी से फटाफट से। शशि भूषण जी ये प्रश्न है और ये प्रश्न कठिन है, फटाफट फटाफट, हरे उर्दू नहीं चल रही यहां पर कि फटाफट फटाफट करवा दो जो कुछ भी हो जाएगा, प्रश्न भी तो आपको समझ में आना चाहिए। आप लोग आ कविता के बताइए कौन है, देखो यहां पर गलत बता रहे हैं, चलिए फटाफट वाले बताइए आ कविता के प्रवर्तक कौन है, सारे लोग गलत बता रहे हैं।
आप कविता के सौरभ वर्मा जी जगदीश गुप्त बता रहे, बहुत बढ़िया। नीतू गुप्ता जी क्या बता दिया सर, बताइए आप कविता के कौन है, सब लोग गलत बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। जगदीश गुप्त बता दो, नीतू जी जगदीश गुप्त बता दें, गलत है। यही तो गड़बड़ है। अभी पहले क्या हो रहा था कि आ कविता पूछा, सो आपने आ कहानी के प्रवर्तक गंगा प्रसाद विमल बता दिया। अब जैसे तैसे आया, याद आया तो जगदीश गुप्त बता दिया, लेकिन किसी ने नहीं बताया कि सर जगदीश गुप्त नहीं, जगदीश चतुर्वेदी। जगदीश चतुर्वेदी माने जाते आ कविता आंदोलन, जगदीश चतुर्वेदी। कौन माने जाते हैं? जगदीश चतुर्वेदी। किसी एक ने नहीं बताया, अगर क्वेश्चन आ जाता तो क्या हो जाता, पूरे गलत करते। आ कविता, और मैंने कई बार आपको बताया आ कविता और आ कहानी अलग अलग है। आ कविता के जगदीश चतुर्वेदी है, आ कहानी के गंगा प्रसाद अमल विमल हैं, ठीक है। उसके बाद युत्सवादी के सलभ श्री राम है, ठीक है। सपाट धरती की फसलें, इसके रचनाकार कौन है जल्दी से बताइए। सपाट धरती की फसलें, फटाफट जल्दी से। हाँ, लाइव भी चल रही है क्लास। सपाट धरती की फसलें, इसके रचनाकार कौन है? सपाट धरती की फसलें, मेरे पास पीडीएफ नहीं है तेज प्रकाश जी। भैया कमेंट करो, जो पढ़ रहा है उसके पीछे, यही तो होता है, बार बार कमेंट करो। मैं कहां से दे दूं आपको पीडीएफ जब मेरे पास नहीं है नई रचनाओं की? तो जो पढ़ रहा है उस पे ध्यान दो। सपाट धरती की फसलें, इसके रचनाकार कौन है? 125 नंबर का क्वेश्चन है और 125 का उत्तर जा रहा है कि सर ये सपाट धरती की फसलें अश्व घोष, अश्व खा गए अश्व, सपाट धरती की फसलें अश्व घोष की रचना है। बी नंबर आपका 125 नंबर में बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है यहां पर, नंद दुलारी वाजपेयी ने छायावाद के बाद नए काव्य आंदोलन की शुरुआत किससे मानी है? किससे मानी है बताओ। जल्दी से बताना फटाफट से, पहली बार लाइव हो, लाइव ही लाइव तो चल रहा है। नंद दुलारी वाजपेयी ने छायावाद के बाद नए काव्य आंदोलन की शुरुआत किससे मानी है? किससे मानी है? रामनरेश त्रिपाठी, रामेश्वर शुक्ल अंचल, गिरजा कुमार महतो या भगवती चरण वर्मा? 126 नंबर का क्वेश्चन है नंद दुलारी वाजपेयी, 126 में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ रहा है और सभी लोग आंसर लगा रहे 126 में कि सर इन्होंने नंद दुलारी वाजपेयी छायावाद के बाद नए काव्य आंदोलन की जो शुरुआत मानी है वो मानी है रामेश्वर शुक्ल अंचल से, रामेश्वर शुक्ल अंचल से मानी है। यानी आपका जो बी नंबर है, बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, रामेश्वर शुक्ल अंचल है ना। ये जो है ये मासलवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, मासलवाद के प्रवर्तक कौन? रामेश्वर शुक्ल अंचल, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रेम और रोमांस का कवि किसे कहा जाता है, कमेंट में बताइए जल्दी से, प्रेम और रोमांस का कवि किसे कहा जाता है? प्रेम और रोमांस का कवि बताइए फटाफट से। यहां पर पूछा गया है आ कविता के पुरोधा कौन है, आ कविता के प्रवर्तक कौन है, क्वेश्चन आ गया आपके सामने, बताओ आ कविता के प्रवर्तक कौन है? 127 नंबर का क्वेश्चन है यही क्वेश्चन, आ कविता के प्रवर्तक या पुरोधा कौन है? 127 में अगर क्वेश्चन में आ जाता ना तो आप लोग क्या करते, जगदीश गुप्त ढूंढते रहते है ना। लेकिन यहां पर एक ही ऑप्शन है आपके लिए कि सर जगदीश चतुर्वेदी सी नंबर, ये माने जाते आ कविता के प्रवर्तक, ठीक है। सी नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। यहां पर आपको बताना है समर्थारति, समर्थारति के रचनाकार कौन है? समर्थारति यानी कि 128 नंबर का क्वेश्चन है, 128 का, बहुत बढ़िया। देर से ही सही है ना, मंजिल मिल ही जाएगी, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। समर्थारति के रचनाकार कौन है? सीतेश आलोक, केशव कालीधर, अजित कुमार या फिर कुमार अंबुज? डॉक्टर किशोरी लाल जी वीडियो को लाइक कर दो, 128 नंबर का क्वेश्चन है समर्थारति, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि सर ये केशव कालीधर की रचना है, बी नंबर समर्थारति, ठीक है, बी नंबर आपका सही है। मनु को बनाती
मनई मनु को बनाती मनई नामक कविता संग्रह किसकी है? 129वें मनु को बनाती मनई एक काव्य कृति बताना, ये रचना किसकी है? प्रेम और रोमांस का कवि कहा जाता है किसको? रामेश्वर शुक्लांचल को। प्रेम और रोमांस का कवि, ठीक है, रामेश्वर शुक्लांचल को कहा जाता है। और छई रोमांस का कवि कहा जाता है किसको? हरिवंश राय बच्चन को, ठीक है। यहां पर मनु की बनाती मनई यानी 129 नंबर का क्वेश्चन, उत्तर चला गया ज्ञानेन्द्रपति यानी कि सी नंबर, मनु को बनाती मनई ज्ञानेन्द्रपति, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है जेबों में डर, जेबों में डर कृति की रचनाकार कौन है? जेबों में डर, बताइए रोहिणी जी, जेबों में डर ये चयन करना है, अश्वघोष की रचना है, अजित कुमार की है, कुबेर देव कुमार अंबुज किसकी रचना है? जेबों में डर ये काव्य कृति किसकी? अनीता जी, 130 नंबर का क्वेश्चन है और ये भी रचना है जेबों में डर, अश्वघोष की रचना है दोस्तों, ये भी, ये नंबर पूनम जी सही है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला है अज्ञे की कौन सी कविता जापानी लोक कथा पर आधारित, 131 में बताओ, 131 नंबर का क्वेश्चन है जापानी लोक कथा पर आधारित कौन सी है? फटाक से चयन करिए और एक बार वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों। फटाक से चयन करिए, वीडियो को लाइक कर दिए, जिनको भी एडमिशन लेना है दोस्तों वो एडमिशन भी ले सकते हैं। फटाफट से अज्ञेय की कौन सी कृति, 131 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोग बताएं और वीडियो को लाइक भी कर दें। ये क्वेश्चन सही है क्या? वो कृति कौन सी है? वीडियो को शेयर भी कर दें दोस्तों। आपका उत्तर है कि सर असाध्य वीणा सही है, ठीक है, बी नंबर आपका राइट आंसर है, बहुत बढ़िया। आदि आदिहीन अनंत यात्रा की रचनाकार कौन है? आदिहीन, बताइए आदिहीन अनंत यात्रा, ये चीनी लोक कथा पर आधारित है दोस्तों, लेकिन ठीक है यहां पर जापानी आए, अपन चीनी लोक कथा पर देखते हैं, चीनी लोक कथा पर आधारित है कौन सी? असाध्य वीणा, बी नंबर आपका सही है। कहीं कहीं आपको जापानी लोक कथा भी मिल जाती है, लेकिन ये चीनी लोक कथा पर आधारित है, बी नंबर आपका सही है। आदिहीन अनंत यात्रा की रचनाकार कौन है? 132 नंबर का क्वेश्चन है, 132 नंबर के क्वेश्चन में ये रचना है विपिन कुमार अग्रवाल की, आदिहीन अनंत यात्रा की रचनाकार है विपिन कुमार अग्रवाल, ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अपन को बताना है, यहां पर आते हैं, ठीक है, बिपाशा की हार, बिपाशा की हार काव्य कृति के रचनाकार, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बिपाशा की हार इसके रचनाकार कौन है? राजेंद्र किशोर हैं, कुमार बिकल हैं, सीतेश आलोक हैं या फिर विनय हैं? अमन जी बताएं, बिपाशा की हार इसके रचनाकार कौन है? बिपाशा की हार, जिनको भी एडमिशन लेना है दोस्तों मात्र 1500 रुपए में एडमिशन ले सकते हैं सेल्फ स्टडी क्लासेस में। बिपाशा की हार इसके रचनाकार कौन है? 133 नंबर का क्वेश्चन है, 133 में सभी बताएंगे कि सर बिपाशा की हार कुमार बिकल है ना, बिकल याद कर लेना है, बिपाशा की हार कुमार बिकल, कुमार बिकल की रचना, बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। युग मानव बाबू के रचनाकार कौन है? युग मानव बाबू, पूरी की पूरी नई रचना है आपको यहां पर देखने को मिली है आज के वीडियो में। युग मानव बाबू के रचनाकार कौन है? इस वीडियो को एक बार और देख लेना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है, नई रचना है, एक परीक्षाओं के बदलते हुए एग्जाम पैटर्न के अनुसार नई रचनाएं भी, कई रचनाएं पूछी जा रही हैं दोस्तों।
योग मानव बाबू की रचनाकार ऋतुराज हैं, कुमार बिकल हैं, अजित कुमार हैं या फिर राजेश जोशी हैं। 134 नंबर का क्वेश्चन है और योग मानव बाबू ये भी कुमार बिकल की रचना है दोस्तों। यहां पर देखो बिपाशा की हार कुमार बिकल, ठीक है, योग मानव बाबू ये भी कुमार बिकल की रचना है। उसके बाद अब किसे वनवास दोगे, ये प्रबंध कृति किसकी, अब किसे वनवास दोगे, असद जैदी की है ना, हेमंत शेष की है, केशव कबीर की है या फिर शैलेश जैदी की है, किसकी रचना है, अब किसे वनवास दोगे 135 नंबर में। तो यहां पर दोस्तों याद रख लेना, बोले सर अब किसे वनवास दोगे, बोले शैलेश को वनवास देंगे, शैलेश यानी सी नंबर है ना, बोले सर शैलेश को देंगे, शैलेश अलंकार को वनवास देना जी, मैं पूछा ही नहीं जाए शैलेश अलंकार है ना, तो शैलेश याद कर लेना, शैलेश जैदी की रचना आप किसे वनवास दोगे। धर्मवीर भारती की कृति कौन सी है, धर्मवीर भारती की बनेगा, थोड़ी सी राहत है, ललिता रागनी जी संतोष जी है ना, धर्मवीर भारती की कृति कौन सी है, तो उत्तर चला गया कि सर धर्मवीर भारती की रचना है ठंडा लोहा, यानी आपका सी नंबर, लोहा भी ठंडा हो जाता है। पतंग और चरखड़ी किसका काव्य संग्रह, पतंग और चरखड़ी बताइए जल्दी से, हेमंत कुकरेती, मुकेश मानस, कर्ण सिंह या फिर अज्ञे, पतंग और चरखड़ी, पतंग और चरखड़ी 137 का उत्तर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और उत्तर चला गया कि सर ये रचना है मुकेश मानस की, मुकेश मानस की पतंग और चरखड़ी। घरौंदा पूछा 138 में, बनेगा सभी से, घरौंदा काव्य कृति किसकी है, घरौंदा, घरौंदा यहां पर इनमें से बताना है दोस्तों, चार विकल्पों में से, वैसे तो आपको अलग पता है लेकिन घरौंदा काव्य कृति इन चार विकल्पों में से बताइए, इनकी भी रचना है और किसकी रचना ये भी बता देना। ये घरौंदा रचना यहां पर अजित कुमार की है और किसकी रचना है घरौंदा बताओ, ये आपका एक शंकर शेष की भी रचना है घरौंदा, बोले घरौंदा शेष रह गया है ना, और ये आपका यहां पर अजित कुमार सी नंबर, अजित कुमार की भी है। 2013 की दीनदयाल उपाध्याय पुरस्कार किसे मिला था, अलग क्वेश्चन है, हटके क्वेश्चन है, दीनदयाल यानी कि 139 नंबर का क्वेश्चन है और उत्तर चला गया कि सर जो 2013 का मिला था वो मिला था किसको, बलदेव वंशी को मिला था 2013 का दीनदयाल उपाध्याय पुरस्कार। हंस अकेला काव्य कृति के रचनाकार कौन है, अंतिम प्रश्न है, हंस अकेला, हंस अकेला बताइए, हंस अकेला ये काव्य कृति किसकी है ना, जल्दी जल्दी से बताइए, अच्छे अच्छों का हौस उड़ गया आज की दोस्तों इस वीडियो में, अच्छे अच्छों का हंस अकेला काव्य कृति के वीडियो एक बार देख लेना, साहित्य का पाठ है, साहित्य से संबंधित रचनाएं हैं, अगर पूछ ली गई एग्जाम में तो कहां जाओगे, बोले सर धार ही धार जाएंगे, इसलिए बहुत अच्छे से पढ़ देना। हंस अकेला काव्य कृति के रचनाकार कौन है ये बताना है, हंस अकेला 140 में, और सभी लोगों का आंसर जा रहा है कि सर हंस अकेला ये रमानाथ अवस्थी, हंस अकेला है ना जो अपना अवस्थी अवस्था की ध्यान रखता है या रमानाथ राम की पूजा करता है, इस प्रकार से हंस अकेला है, रमानाथ अवस्थी की रचना है, सी नंबर आपका बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया दोस्तों, अध्ययन कर लें, वीडियो को लाइक भी कर देना, ठीक है ना। हंस अकेला काव्य कृति किसकी है, हंस अकेला, तब आपका उत्तर हो जाएगा कि रमानाथ अवस्थी की है, ठीक है, ये कई पुस्तकों का निचोड़ है, नोट्स जिनको भी मंगवाना है नोट्स मंगवा सकते हैं दोस्तों, हिंदी साहित्य के नोट्स अपने घर पर, ठीक है, जिनको भी मंगवाना है तो अपन को यहाँ पर वीडियो को लाइक भी कर देना है दोस्तों, सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लेना सभी साथी, और आज दोस्तों ताजिया ठंडे हो गए होंगे, बहुत सारे लोग कई कोचिंगों में पढ़ पढ़ के यहाँ पर आ रहे होंगे, कई कोचिंगों में से पढ़ के आ रहे होंगे, बोले सर सर की क्लास अटेंड करे, आज समझ में आ गया हो गया कि ताजिया ठंडे, बोले पढ़ा क्या, बोले कुछ नहीं पढ़ा है ना। तो ये 1500 के एक कोर्स में जिनको भी एडमिशन लेना है वो सभी लोग पढ़ सकते हैं दोस्तों, ठीक है, बहुत बढ़िया है ना, और वीडियो को लाइक कर लें, ये टीजीटी पीजीटी के कोर्स में एडमिशन लें, और दोस्तों है ना यहाँ पर हिंदी साहित्य के निचोड़ वन लाइनर जिनको भी मंगवा दोस्तों ये पीडीएफ परचेस करनी है वो परचेस कर सकते हैं, है ना। पापा की शेरनी डेली होती है, ये क्लासें कब बंद हुई हैं, ये डेली क्लास होती हैं, 4 साल से चल रही हैं, ठीक है, और यहाँ पर मास्टर कैडर का जिनको भी कोर्स परचेस करना है ये मॉडल पेपर का कर सकते हो, ठीक है। इट्स जी, तेज प्रकाश जी, ठीक है ना, लखविंदर जी, संदीप जी,
आकांक्षा, बीनू जी, रवि जी, सत्य प्रकाश, विजय लक्ष्मी, अरुण जी, रेखा जी, पूनम जी, अनुज जी, संजय जी, प्रमिला जी, दारसु रवि जी, बहुत बढ़िया, नीतू जी, रीता जी, राजीव जी, नफीसा जी, भावना जी, पुष्पा जी, है ना, ठीक है, मेदास, सीमा, जिनको भी एडमिशन लेना है दोस्तों आप लोग ले सकते हैं, आरती वर्मा जी, ठीक है, रेखा यादव जी। टॉपिक क्रमबद्ध चल ही रहा है, अब जैसे नई कविता है तो नई कविता के बाद दोस्तों हिंदी गद्य के विकास को अपन पढ़ेंगे, हिंदी गद्य का विकास पढ़ेंगे, है ना। तो ये टॉपिक निरंतर चल रहा है, जैसे छायावाद के बाद प्रगतिवाद आता है, वैसे ही अब यहाँ पर नई कविता खत्म हो गया तो अपन गद्य साहित्य पढ़ेंगे, गद्य साहित्य का विकास पढ़ेंगे, ठीक है। शिल्पा जी बोल रहे मेरा नाम पढ़ लिया करो, ठीक है, आपका नाम पढ़ ले रहे, पुस्तक है क्या आपका नाम, मेरा नाम ले लिया करो, ऐसा बोलो, पढ़ लिया करो, नहीं, ठीक है, तो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। रीता जी, अर्चना जी, ठीक है, सभी को धन्यवाद, अमन जी, अंजू जी, ठीक है, पढ़ते रहें, अध्ययन करते रहें, वीडियो को लाइक कर लें, और बहुत बढ़िया, ठीक है।